जिसे नुकसान उठाना नहीं आता उसे नहीं मालूम फायदा किसको कहते हैं, उसे नहीं मालूम। और अब ये आलम है, आपके लिए मैं काफिर, मेरे लिए आप काफिर, हम रोशन ख्याल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब इस मुल्क में मुसलमान कोई रहा ही नहीं। ये कुफ्र की बात कहाँ से आई है? हर बात पे कुफ्र का फतवा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम आपस में एक दूसरे से वो सवाल पूछते हैं जो खुदा हमसे पूछेगा। हम एक दूसरे से वो सवाल नहीं पूछते जो हम पूछ सकते हैं। तुम्हारा मज़हब कौन सा है, नमाज किस तरीके से पढ़ते हो, क़याम में खड़े हो तो टांगों के दरमियान से दुम्बा गुजर सकता है या नहीं गुजर सकता, कोई मुझसे ये भी पूछे आरिफा तबीयत ठीक है, घर में कोई दवा लाने वाला नहीं है मैं ला दूं, जो इंसानों के इंसानों से पूछने के सवाल हैं वो अगर हम पूछें तो हम रोशन ख्याल हैं। और अगर हम एक दूसरे से वो सवाल पूछते रहें जो खुदा हमसे पूछेगा तो हम बहुत अच्छे हैं। रोशन ख्याली जहन की फफूंदी उतारने का नाम है, रोशन ख्याली दिल पे से जुल्म की कालक मिटाने का नाम है। जुल्म सबसे बड़ी, हम जुल्म समझते हो किसी का गला काटा तभी जुल्म हुआ, एक छोटा सा झूठ बोल दिया वो भी जुल्म। और मुझे अरबी ज़बान का ये लफ्ज़ बहुत अच्छा लगता है, इसके मानी हद से बढ़ जाना। तो हम में से कौन हद से नहीं बढ़ता जब मौका मिलता, तो हम सब ज़ालिम, हम सब ज़ालिम। और आप सब लोगों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए, खुदा के लिए खुश रहना सीख लीजिए। जो खुश होता है वो मुतमईन होता है, जो मुतमईन होता है वो अमल करता है, जो अमल करता है वो बामुराद होता है, और जो बामुराद होता है वो सुरखुरू होता है। बहुत शुक्रिया।